हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मजे में। आज की क्लास में आप कुछ और डेफिनेशंस देखेंगे जीएसटी के अंतर्गत, जिसमें से सबसे पहली डेफिनेशन जो हम देखने वाले हैं वो है बिजनेस। अब बात आती है कि बिजनेस की डेफिनेशन देखना क्यों आवश्यक है। तो जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जीएसटी किस पे है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। इसलिए जानना जरूरी है कि भाई बिजनेस क्या है। मतलब पिताजी अपने बेटे को चॉकलेट देते हैं, इज इट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज? आंसर इज यस, चॉकलेट गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो क्या इस पे जीएसटी लग जाएगा? सोचते हैं तो जीएसटी की डेफिनेशन देखते हैं पूरी क्या है। जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। पिताजी ने अपने बेटे को चॉकलेट दी, ये सप्लाई ऑफ गुड्स तो है लेकिन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ये धंधा नहीं है, राइट? एंड देयरफॉर जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो हमें यह बात भी समझने की जरूरत है कि व्हाट इज बिजनेस, क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है लेकिन अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तब, राइट? आइए देखते हैं। बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कहता है ये सब बिजनेस है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इनसे मिलती जुलती चीज होगी, उसका नाम यहां पे नहीं लिखा होगा, तो भी वो बिजनेस ही है। अब ऐसा मत स्पेसिफिक पकड़ लीजिएगा कि यही जो चीजें यहां पे लिखी हुई है बस यही बिजनेस है, अदरवाइज कुछ नहीं है बिजनेस। नहीं, इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। जब भी इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है तो सरकार थोड़ा सा इसको वाइडर कर देती है कि भाई देख, बिजनेस की डेफिनेशन में ये सब इंक्लूडेड है, मतलब इसके आसपास की चीज भी बिजनेस ही है। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर इट इज फॉर पिक्यूनियरी बेनिफिट। वेदर इट इज फॉर पिक्यूनियरी बेनिफिट का मतलब वेदर इट इज फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट। मतलब आप अगर ये सब कुछ करते हो, ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, वोकेशन कर रहे हो, वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, राइट? तो मैं एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं जितना पैसा कोचिंग क्लासेस से बनाऊंगा मैं उतना पैसे का चैरिटी कर दूंगा, मैं फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा क्लासेस, मान लो ऐसा कहता हूं, ठीक है, ऐसा कह नहीं रहा, मान लो ऐसा कहता हूं कि मैं जितना भी पैसा एजुकेशन से बनाऊंगा वो सारा का सारा पैसे का चैरिटी कर दूंगा, ठीक है, तो क्या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है मेरा? नहीं, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। तो क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस, जीएसटी लगेगा। जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस तो है भाई, ये सब ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन, ये सब बिजनेस है, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट है चाहे नहीं है। मतलब हम उससे फाइनेंशियली बेनिफिट होंगे कि नहीं होंगे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आई होप इन सबका मतलब तो आप समझते हैं। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर समझ ही रहे होंगे, प्रोफेशन भी आप समझ रहे हैं। वोकेशन क्या होता है? जैसे आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्टेज शो पे जाते हैं, लाखों रुपया कमा लेते हैं, वो क्या है? ठीक है, मैंने तो देखा है कि डांस इंडिया डांस करके कोई टीवी शो आता है, उसमें 2 साल का बच्चा एकदम उधम उधाधम नाच रहा था, एकदम से उल्टा पलटा सब हो जा रहा था। अब ये क्या प्रोफेशनल नॉलेज है उसकी, या कोई स्किल वो एक्वायर किया? नहीं, ऊपर वाले ने उसको बनाया ही ऐसा है, ठीक है, वो उसकी इनहेरेंट स्किल है। उसे अगर कोई अपनी इनहेरेंट स्किल की वजह से कमाता है तो उसे कहा जाता है वोकेशन। ये भी कह रहा है बिजनेस है, ठीक है। एडवेंचर, ठीक है, आप एडवेंचर करके बिजनेस एक पैसा कमा लेते हो, ठीक है। एडवेंचर के कुछ एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आपने देखा होगा कभी कभी रास्ते के किनारे आप देखेंगे कि रस्सी की डोर बंधी रहती है और उस पर छोटा सा बच्चा रस्सियों पर चलता रहता है, इट्स एन एडवेंचर, ठीक है। या कुछ लोग स्पोर्ट्स बाइक वगैरह पे एडवेंचर दिखाते हैं, उससे पैसे कमा लेते हैं, दैट्स अगेन बिजनेस। वेजर, मतलब वेजर का मतलब होता है शर्त लगाना, जुआ खेलना, इट्स इवन बिजनेस। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द सब क्लॉज ए। अगर आप ए करने की वजह से कुछ करते हो, जो ए में लिखा हुआ है, ये सब करने की वजह से आप कुछ करते हो, तो जो दूसरा काम कर रहे हो ये भी बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी का डीलर हूं, मेरा काम क्या है? टीवी बेचना, तो ये ट्रेड है, बिजनेस है,
ठीक है, मेरा काम है टीवी बेचना, मैं ट्रेड कर रहा हूं, टीवी बेचता हूं, ये मेरा बिजनेस है। एक 4 लाख रुपए की टीवी है, पता है उसके एज तक ग्लास लगा हुआ है, मतलब उसकी बॉर्डर भी नहीं है, एज तक उसका ग्लास है उस टीवी के, राइट। एक कस्टमर आता है और वो 4 लाख की टीवी खरीद लेता है मुझसे, ये हर दिन नहीं बिकती है, कभी कभार ये टीवी बिकती है। अब जिसने बाय किया वो 4 लाख रुपए की टीवी, वो कहता है कि इसको ना वुडन बॉक्स में इसकी पूरा पैक करा के फिर इसको डिलीवरी कराइएगा हमारे यहां। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मेरा बिजनेस है वुडन बॉक्स बनवाना फिर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उसकी डिलीवरी कराना, इज इट माई बिजनेस? आंसर इज नो। यार मैं टीवी की ट्रेडिंग करता हूं, टीवी बेचता हूं, ये सब थोड़ी ना मेरा काम है। लेकिन अगर मैंने ये सब काम किया बिजनेस की वजह से, बिजनेस की वजह से आप कोई और काम भी करते हैं ना, तो वो भी आपका बिजनेस कहलाता है। यानी लकड़ी का डब्बा बनवाना और उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से बेचना, ये भी मेरा बिजनेस है। क्या मैं इसके लिए चार्ज लूंगा? आंसर इज यस। अगर कोई कस्टमर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट अपनी रखेगा तो क्या मैं उसके चार्जेस लेता हूं? आंसर इज यस, लेता हूं। ठीक है, क्या उस पर GST लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा। और या तो आप कहेंगे कि सर आप चार्जेस नहीं ले रहे हैं, आप फ्री में दे रहे हैं, तो बताइए। अरे बेटा, तो यही मान लिया जाएगा 4 लाख रुपया जो लिया गया है टीवी का ना, वो इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग है। अगर मैं ये कहता हूं मैं टीवी आपके घर पहुंचा के दे दूंगा, तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन और टीवी है सब मिला के 4 लाख रुपया ले रहा हूं। ठीक है, तो एंटायर मनी इज लायबल फॉर GST। ठीक है, आप समझ पाए ए और बी में क्या अंतर है? ए में है टीवी बेचना और बी में क्या कवर हो गया? टीवी बेचने की वजह से आपको लकड़ी का डब्बा बनवाना पड़ा और ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ा, ये बी में कवर हो गया। सी, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। कह रहा है ए में जो ट्रांजेक्शन की बात हम किए कहे थे, ट्रेड कॉमर्स ये सब कुछ कर रहे हो, वेदर नॉट देयर इज वॉल्यूम, बहुत ज्यादा हो रहा है कि नहीं। अरे साल में एक ग्राहक भी आता है ना, तो भी आप बिजनेस कर रहे हो। ये नहीं कि आप कहोगे मैं दुकान खोल के तो बैठा हूं, ग्राहक ही कहां आ रहा है, पूरे साल में 4 ग्राहक आए हैं, तो उससे कह रहा है कि उससे मतलब नहीं है वॉल्यूम क्या आपके बिजनेस का, फ्रीक्वेंसी क्या है, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, रेगुलरिटी है कि नहीं है, आप रोज दुकान खोलते हो कि नहीं खोलते हो, ये सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। कह रहे साल में एक ट्रांजेक्शन भी हुआ है ना, तो भी बिजनेस है। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विसेज एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये क्या चीज है? आपने क्या किया, कैपिटल गुड्स एक्वायर करना शुरू कर दिया। अभी हमको बिजनेस अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना, उसके पहले हमने क्या किया कि भाई मान लीजिए हम कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, अपनी परचेजेस शुरू कर दी। हमने वीडियो कैमरा खरीदना शुरू कर दिया, हमने AC खरीदना शुरू कर दिया, लैपटॉप खरीदना शुरू कर दिया। तो ये सब जब मैंने खरीदना शुरू कर दिया तो क्या मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया? आंसर इज यस, कह रहा है ये बिजनेस शुरू हो गया, दिस इज बिजनेस। ये जो आप परचेज कर रहे हो कैपिटल गुड्स का, आप परचेज कर रहे हो सर्विसेज, मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन की सर्विस ली, ये सब बिजनेस शुरू हो चुका है, कह रहा है। सिमिलरली बिजनेस क्लोजर के लिए आप फिर क्या करते हो, एसेट वगैरह बेचने लग जाते हो, ये सब कुछ कर रहे हो, ये भी क्या बिजनेस है? आंसर इज यस। फिर प्रोविजन बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसीडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स मेंबर। कोई भी क्लब एसोसिएशन जिसमें मेंबरशिप के जरिए मेंबर्स को फायदा पहुंचाया जाता है, मतलब मेंबरशिप फी ली जाती है मेंबर से, उनको कुछ फायदा पहुंचाया जाता है, मतलब उनको कुछ बेनिफिट मिलते हैं एज एन मेंबर ऑफ बींग एज बींग मेंबर ऑफ दैट क्लब, तो कह रहा है कि ये भी बिजनेस है। ये जो क्लब कर रही है कि मेंबरशिप फी लेके आप क्लब के मेंबर बनते हो, आपको कुछ फायदे मिलते हैं उसकी वजह से, तो कह रहा है कि ये सब क्या है, ये भी कह रहा है बिजनेस है। एडमिशन फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, किसी भी प्रीमाइसेस में एंट्री फी के जरिए आपको जाने को मिलता है। जैसे आप किसी म्यूजियम में जाते हो, आप किसी जू में जाते हो, ठीक है, तो ये सब में जब किसी पार्क में ही जाते हो, टिकट कटा के आप किसी चीज के अंदर अगर जाते हो, किसी जगह के अंदर जाते हो, तो कह रहा है कि ये भी क्या है, बिजनेस है। जू हो गया, मैंने क्या क्या बोला, पार्क बोला, और क्या बोला, सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन। कह रहा है कि इफ यू आर होल्डर ऑफ एन ऑफिस एंड यू प्रोवाइड एनी सर्विस फ्रॉम दैट ऑफिस, दैट इज एन बिजनेस।
देन एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाई वे ऑफ टोटालिसेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस्ड बुक मेकर इन सच क्लब। ये क्या कह रहा है, एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब। रेस क्लब की जो एक्टिविटीज होती हैं वो बिजनेस है। व्हाट इज रेस क्लब, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जहां पे घोड़ों की रेस होती है, ठीक है, हॉर्स रेसेस की बात कर रहा है, हॉर्स रेस क्लब की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये हॉर्स रेस क्लब जो है ये बिजनेस कर रहे हैं, राइट। इस ये जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी सर्विसेज ये खुद भी लेते हैं, राइट। और ये जो बिजनेस लेते हैं वो बुक मेकर की सर्विस लेते हैं, टोटालिसेटर की सर्विस लेते हैं। कह रहा है ये भी बिजनेस है। अब आपको समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा तो मैं समझा देता हूं क्या होता है। हॉर्स रेस क्लब क्या कराती है, वो जुआ खिला रही है। हॉर्स रेस क्लब जुआ खिला रही है, कहती है 20 घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े पे पैसा लगाओ, ठीक है। अगर तुम्हारा घोड़ा नंबर 1 आ जाएगा तो तुमको पैसा 4 गुना मिल जाएगा, घोड़ा नंबर 2 आ जाएगा तो आपको पैसा दुगना मिल जाएगा, समथिंग लग जाता कि 1 करोड़ रुपए लगाओगे, घोड़ा रैंक 1 ले आया रेस में तो आपका 1 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया हो गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो रेस क्लब वाला तो क्या कर रहा है, आपको जुआ खिला रहा है, ठीक है। इस जुए को इलेक्ट्रॉनिकली हर लेवल पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसको कहा जाता है टोटालिसेटर। बड़ा सुंदर डिवाइस होता है, जानेंगे इसके बारे में, मजा आ जाएगा। तो ये रेस क्लब वालों के पास ये डिवाइस होता थोड़ी ना है टोटालिसेटर, वो क्या करते हैं टोटालिसेटर वाले को बुलाते हैं, कहते हैं डिवाइस लेके आओ तो जरा लगा दो यहाँ पे रेस क्लब में, कैसा होता है ये डिवाइस। ये देखो ये एक डिवाइस है, ठीक है, कीबोर्ड की तरह होता है, जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड है वैसा है। अब इसी पे सारे घोड़े बने हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर घोड़ा 3 नंबर घोड़ा, इसे बटन है ये 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब जैसे ये 1 नंबर का घोड़े का बटन है, ठीक है। अब जैसे हम बोलेंगे कि 1 करोड़ रुपए मेरा 1 नंबर के घोड़े पे लगा दो, तो 1 नंबर को प्रेस किया जाएगा, मेरे नाम की एंट्री की जाएगी, ठीक है, और 1 करोड़ रुपया डाल दिया जाएगा। वैसे ही कोई 2 नंबर पे एंट्री करा रहा होगा, कोई 3 नंबर पे, मेरे जैसे 25-50 लोग और 1 नंबर के घोड़े पे एंट्री किए हैं, तो 1 नंबर के घोड़े पे उन सभी लोगों का नाम है जिसने 1 नंबर के घोड़े पे पैसा लगाया, ठीक है। अब ये डिवाइस जो होता है टोटालिसेटर, ये कैमरे से कनेक्टेड होता है। अब ये जो रेस हो रही है उसमें जगह जगह पे कैमरा लगा हुआ है, तो उसे पता चल रहा है कौन सा घोड़ा आगे है, कौन सा घोड़ा पीछे है। तो ये टोटालिसेटर पूरा इनपुट ले रहा है कि इस समय सबसे आगे कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है, मतलब नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। तो भाई अगर वो घोड़ा नंबर 1 पे है जिसपे सबसे ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, तब तो बहुत बड़ा घाटा होने वाला है गेम खिलाने वाले को, क्योंकि इनाम बहुत देना पड़ेगा, राइट। तो वो फटाफट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता रहता है कि अच्छा 1 नंबर घोड़ा सबसे आगे है, ठीक है, तो और 1 नंबर वाले घोड़े पे 5 करोड़ रुपए लगा हुआ है, यानी 25 करोड़ रुपए देने हैं, ठीक है, बाकी कितने घोड़ों का पैसा नहीं देना है। वो फटाफट कैलकुलेट कर लेता है क्योंकि उसको मालूम है किस घोड़े पे कितना पैसा लगा हुआ है, प्रॉफिट लॉस को खट से कैलकुलेट कर लेता है और हर समय बताता रहता है लाइव बेसिस पे कि इस समय जो चल रहा है वो इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतना लॉस चल रहा है। आप समझ गए, स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से प्राइस अप डाउन तुरंत तुरंत पता चल रही है, वैसे टोटालिसेटर पे हॉर्स रेस कराने वाले को अपना प्रॉफिट लॉस तुरंत तुरंत पता चल रहा है, राइट। टोटालिसेटर कैलकुलेट करता रहता है कि जो घोड़ा सबसे आगे इस समय है वही अगर जीत गया, वही 1 रहे हो गया, तो इतना उससे इतना देना पड़ेगा उसकी वजह से, बाकी का इतना पैसा आएगा वो कैलकुलेट करके नट ऑफ करके निकाल देता है। समझ में आया। दूसरी चीज, ये लोग क्या करते हैं, जो लोग हॉर्स रेस खिलाते हैं, इनको पता है सबसे ज्यादा जो बड़ी जरूरत क्या है, एक तो टोटालिसेटर वालों की, दूसरा जो घोड़े दौड़ेंगे वो कहां से आएंगे। तो फिर ये लोग विजय माल्या जैसे लोगों को बुलाते हैं, पता है कि नहीं, विजय माल्या का धंधा, वो जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं वो तैयार करते हैं विजय माल्या। इस बिजनेस को कहा जाता है स्टड फार्मिंग, और विजय माल्या का ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं, विजय माल्या के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन उन सभी बिजनेस को मिला दिया जाए ना, तो जो हॉर्स रेसेस के लिए घोड़े तैयार होते हैं वो बिजनेस लगभग लगभग इक्विवेलेंट हो जाएगा सारे बिजनेस को मिला के, या उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। ये धंधा छोटा धंधा नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान में विजय माल्या ही थे जो ये धंधा करते थे, अब चले गए वो भी इंडिया के बाहर, बचा ही नहीं हमारे देश में इस बिजनेस को करने वाला, राइट। एक एक घोड़े पे कई लाख रुपए खर्च होते हैं महीने के, खाने पीने के, ये सब चीज के, ठीक है। उन घोड़ों को रेस के लिए तैयार किया जाता है, और जब वो जीतते हैं तो खूब सारा पैसा मिलता है, यानी जब रेस में घोड़ा जीतता है, जैसे 5 नंबर का घोड़ा रेस में जीतेगा तो घोड़े का जो मालिक है उसको पैसा मिलेगा, और जो पैसा लगाया है घोड़े पे उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो
तो इनको बुलाया जाता है, घोड़े के ओनर्स को बुलाया जाता है भाई, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बुकी को बुलाते हैं सब। बुकी कौन होता है? जो पकड़ के लाता है जुआ खेलने वालों को। अरे घोड़ा तैयार है, खड़ा है, रेस कोर्ट तैयार है, टोटलाइजेटर डिवाइस खड़ा है, अरे पैसा कौन लगाएगा? जुआ खेलने वाले भी तो चाहिए। तो बुकी जो होता है वो जुआ खेलने वालों को लाता है पकड़ पकड़ के। तो बुकी का अपना कमीशन होता है, राइट, 1% 2% व्हाटएवर, जो भी कमीशन होता है उनका, राइट। अब इस घोड़े की रेस, अच्छा ये जो हॉर्स रेस होता है ये लीगल है, आपको ये पता है कि नहीं? इट्स एन लीगल गेम। बाकी जितना जुआ हो रहा है ना दुनिया भर में, सब इलीगल है, गैर कानूनी है। ये लीगल जुआ है, राइट। तो कोई गलत निगाहों से नहीं देखना, ये लीगल होता है, राइट। आप बकायदा अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हो, और जब जीतते हो तो TDS काट के पैसा मिलता है। एकदम नंबर एक का जुआ है इसको, ठीक है। व्हाइट मनी से ये खेला जाता है, ब्लैक मनी नहीं लगती है इसमें, राइट। तो बुकी को बुलाते हैं सब, कहते हैं भाई बुकी भाई जुआ खेलने वालों को लाओ। तो बुकी अपना कमीशन चार्ज करता है, वो जुआ खेलने वालों को लाता है। तो कह रहा है कि ये जो हॉर्स रेस वाला है, ये हॉर्स रेस क्लब एक बिजनेस है, और बाकी ये जितनों की सर्विस ले रहा है ये सब भी बिजनेस है। अब आप समझ गए होंगे। तो कह रहा है इंक्लूडिंग द बाई वे ऑफ टोटलाइजेटर लाइसेंस टू बुक मेकर, बुक मेकर वही बुकी को बोल रहा है, एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब, फिर एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटीज। कह रहा है कोई भी ट्रांजेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी करती है, इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज के तौर पर वो जो भी काम करते हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं। दिस डेफिनेशन एज्यूम सिग्निफिकेंस एज द लेवी इज ऑन सप्लाईज अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। द डेफिनेशन में बी अंडरस्टूड इन टू पार्ट्स। देखिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कहता है GST कब लगता है? इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। कह रहा है दो पार्ट में, अब वो समरी बता रहा है उसकी, हो चुका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, ये समरी है। एक तो जनरल एक्टिविटी बिजनेस है, मतलब ट्रेड कॉमर्स ये सब जनरल एक्टिविटी बिजनेस है। दूसरा कह रहा है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी लाइक तुमने कैपिटल गुड्स एक्वायर किया, ये भी बिजनेस है। सप्लाई ऑफ बाई एसोसिएशन क्लब, एसोसिएशन क्लब मेंबरशिप फी सेल करती है अपनी, ठीक है, वो भी बिजनेस है। कह रहा है किसी भी प्रेमाइसेस में अंदर जाने के लिए, जू में और ये सब में अंदर जाने के लिए टिकट कटता है, ये भी बिजनेस है। सर्विस बाई रेस क्लब, ये भी सर्विस है। द फॉलोइंग आस्पेक्ट नीड टू बी नोटेड, वेजर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस टू इम्पोज GST ऑन बेटिंग ट्रांजेक्शन। वेजर को क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि बेटिंग पे भी GST लगाना था, इसलिए वेजर को भी बिजनेस बोला गया है। एजुकेशनल सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विसेज में कवर्ड होगी, चाहे बिजनेस सर्विसेज में कवर कर लो, ठीक है। तो एजुकेशन भी बिजनेस है। चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज को कवर नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा ये बिजनेस नहीं है। क्लॉज जी में रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्रोफेशन, फॉर इंस्टेंस इफ अ CA इन प्रैक्टिस प्रोवाइड CFO और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर्विस, द सर्विस प्रोवाइडेड बाई हिम मे बी ट्रीटेड एज बिजनेस एंड नॉट एम्प्लॉयमेंट। CA इन प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? जो CA अपनी ऑफिस खोल के बैठा है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, कुछ कंपनी में CFO बन जाते हैं। CFO ये कौन सा CFO? फुल टाइम CFO नहीं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ही तो फुल टाइम CFO होते हैं, जो इंप्लॉय होते हैं। ये CA इन प्रैक्टिस CFO बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है CFO ऑन डिमांड। उसको क्या बोलते हैं जल्दी बोलिए? CFO ऑन डिमांड, मतलब वो कंपनी को कहते हैं कि भाई हम CFO ऑन डिमांड है तुम्हारे, तुमको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रखने की जरूरत नहीं है, जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे, जो भी तुम्हारी मीटिंग होगी उसमें हम आके बैठ जाएंगे और रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजंस हम तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेंगे। ये काम नहीं करते हैं वहां पे, नौकरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मीटिंग में जाके बैठेंगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मीटिंग में जाके बैठता है और ऑपरेशनल पे दिमाग लगाता है। वैसे CFO का काम होता है फाइनेंस एंगल से उस मीटिंग को वो समझता है, और बाकी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशनल एंगल से या स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के एंगल से उस मीटिंग में वो बैठते हैं। तो एक डायरेक्टर बनाया जा सकता है फॉर सम स्ट्रैटेजीज, राइट, एक CFO बनाया जा सकता है फॉर सम फाइनेंशियल एंगल। तो इस तरीके के जो पार्ट टाइम हम काम करते हैं, कह रहा है कि वो भी बिजनेस या प्रोफेशन ही है, ठीक है। आइए अब अगली डेफिनेशन देखते हैं, कंसिडरेशन। अगली डेफिनेशन क्या है? कंसिडरेशन,
एक्चुअली जीएसटी किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, ये भी तो एक है। मैंने कहा कि मैं गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता हूँ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो जीएसटी लगेगा। अब भाई किस पे लगेगा? जो कंसिडरेशन है, मैंने आपको मोबाइल दिया, आपने उसका 20,000 रुपये दिया, तो जीएसटी किस पे है? ये 20,000 रुपये कंसिडरेशन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कंसिडरेशन किसको कहा जाता है। अगर आपने पैसा दिया है तभी कंसिडरेशन है, तभी जीएसटी लगेगा। मैंने आपको मोबाइल दिया, आपने बदले में मुझे एक लैपटॉप दे दिया, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई प्रश्न तो बनता है, आपको जवाब नहीं देना लेकिन प्रश्न तो बनता है कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है, जीएसटी कब लगेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, अब जीएसटी किस पे लगेगा? ऑन द कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इंक्लूड्स ए एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, कोई भी पेमेंट जो किया जा चुका है या करना है, वेदर इन मनी और अदरवाइज। ओह, जो पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है, चाहे वो मनी में की जा रही हो चाहे मनी में नहीं की जा रही हो, यानी मैंने आपको मोबाइल दिया बदले में मुझे पैसा दिए, जीएसटी लगेगा, ये कंसिडरेशन है। मैंने आपको मोबाइल दिया, आपने बदले में लैपटॉप दिया, तो ये लैपटॉप भी कंसिडरेशन है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, वेदर बाई द रेसिपिएंट और बाई एनी अदर पर्सन। ये अलग कहानी है, बोल रहा है, कह रहा है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की और आपको बदले में जो मिला, मनी या अदरवाइज कुछ भी मिला, वो कंसिडरेशन है, चाहे उससे मिला जिसको आपने गुड्स एंड सर्विसेज दिया या किसी और से मिला। वेदर बाई द रेसिपेंट मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का रेसिपेंट है उससे मिला, या बाई एनी अदर पर्सन या फिर किसी से भी मिला। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड की, ठीक है, और क्लासेस की फीस थी मान लेते हैं 10,000 रुपए, ठीक है। एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा, राज अग्रवाल जी, आप बच्चों को क्लासेस जब देते हैं 10,000 रुपए की, तो आप एक काम करिए, बच्चे से सिर्फ 6,000 रुपए लीजिए। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 4,000 रुपए क्योंकि हम देंगे आपको पर बच्चा, आप बच्चों को कम में पढ़ाइए, 4,000 रुपए हम देंगे आपको। मैंने कहा बड़ी सुंदर बात है, कंसिडरेशन मेरे लिए कितना है? बच्चे ने दिया 6,000 रुपया और वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन 4,000 रुपये दे रही है, मुझे पढ़ाने का कितना पैसा मिल रहा है? जो मैं सर्विस दे रहा हूँ पढ़ाने का, उसका कितना पैसा मिल रहा है? कंसिडरेशन कितनी कहलाएगी? 10,000 रुपया। कहता है जो रेसिपेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो दे चाहे कोई और दे। ये बात समझ में आई? तो ध्यान दीजिएगा, कंसिडरेशन क्या होता है, रेसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो पैसा देता है, नहीं, जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मिलता है। बड़ी बहुत बड़ी बात कही है मैंने, ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ये रहा सप्लायर और ये रहा रेसिपेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि रेसिपेंट सप्लायर को देता है ₹500, लेकिन सप्लायर को रिसीव कितना हो, रेसिपेंट गिव्स ₹500 टू सप्लायर, बट रेसिपेंट की टोटल रिसिप्ट कितनी हो जाती है पता है? रिसिप्ट है मान लीजिए ₹600। तो अब बात यह आती है कि कंसिडरेशन कितना कहलाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जितना सप्लायर को मिलता है, ना कि जितना बायर देता है। मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। देखिए आजकल के डिजिटल युग में ना तो ये सब बहुत हो रहा है, ठीक है। रेसिपेंट जाता है सप्लायर्स को पेमेंट करने, ठीक है, तो आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड पे ऑफर चल रहा है, फलाने क्रेडिट कार्ड से पे कर दीजिए तो आपको ₹1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सप्लायर जो बायर को गुड्स दे रहा है वो कितने का है? 6,000 रुपया, ठीक है। अब उसने रेलेवेंट जो क्रेडिट कार्ड पे ऑफर चल रहा है, उस रेलेवेंट क्रेडिट कार्ड को उसने डाला और ऑटोमेटिक वो 5,000 की मतलब जो भी था उसका 5,000-6,000 व्हाटएवर था, उसमें से 10-20% कम हो गया पैसा, ठीक है, और बायर ने तो कम पैसे पे किए, तो सप्लाई कितने की कहलाएगी? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कंसिडरेशन कितनी? जितनी सप्लायर को रिसीव हुई, सप्लायर को तो पूरा पैसा रिसीव होता है, वो तो कार्ड का ऑफर था, ठीक है, बाकी उसको बैंक से मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे रेसिपेंट ने ₹500 पे किया और क्रेडिट कार्ड कंपनी से इसको कितना चला आया, रेसिपेंट गिव्स ₹500 थ्रू क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्यों? क्योंकि ₹100 का डिस्काउंट मिल गया था, अब ये क्रेडिट कार्ड कंपनी ने इसको ₹100 पे किया है,
तो इसको टोटल कितना मिला, 600 रुपया। कंसिडरेशन कितनी है, 600 रुपया। अब जैसे आप पे करते हो पेटीएम के ऐप से पे करते हो मान लो, ठीक है, तो हम पेटीएम ऐप को सेलेक्ट, जैसे कभी कभी नहीं होता है फ्लिपकार्ट पे हम सामान खरीदने जाते हैं, देखते हैं 500 रुपये का है लेकिन कहता है पेटीएम से पे करोगे तो 450 ही लगेगा, तो हम पेटीएम से जाके पे कर देते हैं 450 रुपया, तो सप्लायर को 500 मिला है कि 450 मिला है, अरे उसको 500 ही मिलता है, उसको 450 क्यों मिलेगा, ठीक है। ये तो पेटीएम अपना ऑफर चला रहा है, पेटीएम अब 50 रुपया सप्लायर को दे देता है। अब हमसे ये मत पूछा पेटीएम को इसमें क्या फ़ायदा है, क्या धंधा है, ये जितने भी धंधे चल रहे हैं सब लॉसेस पे ही चल रहे हैं, आपको मालूम है कि नहीं, ठीक है। अमेजॉन पिछले 2 सालों से कमाना शुरू किया है, ठीक है, पिछले 20 सालों से अमेजॉन लॉसेस में था, फ्लिपकार्ट आज भी लॉसेस में है, मालूम है आपको। बायजू स्टिल डेट लॉसेस में चल रहा है, अनअकैडमी टिल डेट लॉसेस में चल रही है, इन्होंने तो देखा ही नहीं फायदा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो ये मत पूछना कि सर इसमें फायदा क्या होगा, फायदा कर कौन रहा है, ठीक है। दे एवरीबडी इज प्लेइंग ऑन टू मेकिंग द बिजनेस बिगर, बड़ा धंधा बनाएंगे फिर कमाएंगे, पहले धंधा बड़ा बन रहा है, राइट। अच्छा, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो वो कंसीडरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई सामान बेच रहा हूं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी चल रही है, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझिए कि मैंने कस्टमर से लिया 10,000 रुपया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी 2,000 रुपया हमको, मतलब 12,000 रुपये का सामान था लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की 2,000 की सब्सिडी चल रही है, तो मैं 10,000 का कस्टमर को बेचता हूँ, यहाँ पे कंसीडरेशन कितना है, 10,000 रुपया है, 12,000 रुपये नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी के जरिए अगर पैसा देती है तो वो कंसीडरेशन का हिस्सा नहीं होता है, और बाकी कहीं से भी पैसा आ जाए तो वो भी कंसीडरेशन है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं किताबें बेचता हूँ, ठीक है, किताब मेरी 500 रुपये की है, स्टूडेंट हमें 400 रुपये देता है, 100 रुपये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडी दे देती है, तो ठीक है, कंसीडरेशन 500 रुपया, 400 कस्टमर से आए, स्टूडेंट से आए, और 100 रुपया किससे आया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से आया, तो जितना पैसा हमको रिसीव होता है वो कंसीडरेशन होती है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी के रूप में पैसा रिसीव होगा तो वो कंसीडरेशन नहीं कहलाएगा। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, ये भी कंसीडरेशन, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, इसका मतलब क्या है, मैं गया एक शॉप पे, शोरूम है, मैं गया वहाँ पे और मैंने गारमेंट शोरूम है, मैंने वहाँ से एक जीन्स खरीद ली, ठीक है, मैंने जीन्स उठाई, ट्रायल ली, बड़ा मज़ा आया, लेके आया कैश काउंटर पे, मैंने कैश काउंटर पे पूछा कि भाई ये इस जीन्स की प्राइस कितनी है, उसने बताया 4,000 रुपये है, ठीक है। और तब तक बगल की चेयर पर एक बंदा और बैठा रहता है, वो कहता है अरे राज सर आप, कहते हैं हाँ 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 हम ही, तो कहता है सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी क्लासेस ले रखा हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ अरे बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो कहता है कि सर एक्चुअली मुझे ना एक सब्जेक्ट की क्लास और लेनी है जिसकी फ़ीस 3,000 रुपीज़ है, तो वो मैं कल ले लूँगा, आप सिर्फ 1,000 रुपये ही पे कर दीजिए इस जीन्स का। भाई जीन्स 4,000 रुपये की थी, बच्चा समझदार है, कहता है कि 3,000 रुपया कल मुझे देने ही है, तो अभी नहीं लेते हैं सर से, सर से कितना ले लेते हैं, 1,000 रुपये ले लेते हैं, बात पूरी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है भाई, 1,000 रुपये मैं दे देता हूँ। अब बात ये आती है कंसीडरेशन कितना है, कहता है कंसीडरेशन जितना मनी या अदरवाइज, ठीक है। अब यहाँ अदरवाइज में मैंने कोई एक्ट किया है, मैंने कुछ पढ़ाया है, उसका पैसा है, तो ये भी कह रहा है कंसीडरेशन है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक दुकान पे जाता हूँ और मोबाइल खरीद लेता हूँ, ठीक है, मोबाइल 50,000 रुपये का है, मैंने दुकानदार से बोला कि भाई कितने देने हैं तुझे, तो कहता है अरे राज सर आप, कहते हैं हाँ, कहता है सर वो मेरे यहाँ जब GST की रेट पड़ी थी ना तो मैंने फ़ोन कॉल किया था आपको और आपसे कुछ कंसल्टेंसी ली थी, तो आपने मुझे बताया था कुछ, मैं कहता हूँ कब, तो बताता है कि अरे सर वही 3 महीने पहले मैं आपको शाम को 6:30 बजे आपको 6:30 बजे फ़ोन किया था करीब, कहते अच्छा हाँ याद आया,
तो कहता है सर उस कंसल्टेंसी का 15,000 रुपये तो बनता है ना सर, तो आप 50,000 यानी 35,000 रुपया दीजिए हमें। हमने उसको 3 महीने पहले कुछ फ़ोन पे बताया था, वो पूछा था, तो उसका कहता है 15,000 रुपया सर वो हो गई। तो ये एक एक्ट था जो मैंने किया था, कह रहा है इसकी वैल्यू भी कंसिडरेशन है, ध्यान दीजिएगा, यानी कंसिडरेशन 50,000 रुपया ही कहलाएगी। ये नहीं कि मैंने 35,000 दिए तो 35,000 कंसिडरेशन हो गई। दूसरा क्या कहता है, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, और फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना। किसी चीज को हम बर्दाश्त करते हैं उसके लिए पैसा आता है ना, वो भी कंसिडरेशन है। यानी हम कुछ करने का पैसा लेते हैं तो ये कंसिडरेशन है, कुछ करने का मिलता है तो ये कंसिडरेशन तो है ही, ठीक है, बर्दाश्त करने का भी पैसा मिलता है तो वो भी कंसिडरेशन है, ठीक है। करने वाली बात आप समझ गए थे, जैसे मैंने कंसल्टेंसी दी थी तो ये कर्ज करने का पैसा है, वो भी कंसिडरेशन है, राइट। तो अब मोबाइल की कंसिडरेशन कितनी कहलाएगी, 50,000 रुपया। मोबाइल की कंसिडरेशन कितनी कहलाएगी, 15,000 एडजस्ट हो जा रहा है, बस ये समझिए। सरकार कह रही है कि 50,000 मोबाइल की कंसिडरेशन है, और हमसे कह रही है राज अग्रवाल 15,000 तुम्हारा जो कंसल्टेंसी दिए थे उसकी कंसिडरेशन है। अब ये 15,000 50,000 एडजस्ट हो गया, आप नेट 35,000 पे कर रहे हो, तो यानी जीएसटी डबल डबल जाएगी। एक तरफ वो 50,000 रुपए पे जीएसटी लेगा हमसे, और हम 15,000 रुपए पे उससे जीएसटी लेंगे कंसल्टेंसी का। पुरानी वाली बात पे भी आ जाए, स्टूडेंट वाली बात पे, स्टूडेंट जब जींस की बिल बनाएगा तो 4,000 प्लस जीएसटी बनाएगा। अब सिंस वो 4,000 प्लस जीएसटी बनाएगा, मैंने दिया कितना है उसको 1,000 रुपया, 3,000 प्लस जीएसटी की बिल मैं बनाऊंगा। आ रहा है समझ में सबको, बाकी जो डिफरेंशियल होगा वो एडजस्ट होगा, जीएसटी वगैरह का डिफरेंस, उतनी पेमेंट करनी होगी या लेनी होगी। बात सबको समझ में आ रही है ना, अभी देखिए अभी बहुत मोटा मोटा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ये कंसिडरेशन है, तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फॉरबियरेंस कुछ बर्दाश्त करने का जो पैसा आता है ना वो भी कंसिडरेशन है। एक बात बताइए, मैं आपको कुछ करने का पैसा लेता हूँ आपसे या बर्दाश्त करने का? जैसे मान लीजिए आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं, बर्दाश्त करने का नहीं, कुछ करने का पैसा है, ठीक है। बर्दाश्त करना क्या होता है, जैसे आप चेक काटिए, ठीक है, और चेक बाउंस हो जाती है आपकी, तो बैंक वाले आपको कुछ चार्जेस लगा देते हैं, यानी आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं। चार्जेस बैंक खाते में चार्ज कर देने का मतलब कि आपसे कुछ पैसे ले लिए, ये क्या था, बर्दाश्त करने का। बैंक कह रही क्या नाटक है, जब तुम्हारे खाते में पैसा नहीं है तो चेक काट के काहे पकड़ा देते हो, बर्दाश्त करने का पैसा ले रही है। आपने फ्लाइट की टिकट कराई, अब कराने के बाद कैंसिल करा देते हो, तो आपसे कुछ चार्ज ले लिया जाता है, ठीक है। और जब आपसे चार्ज लिया जाता है ये क्या है, बर्दाश्त करने का। एयरलाइंस कह रही है क्या नाटक है भाई, एक बार टिकट करा रहे हो एक बार कैंसिल करा दे रहे हो, आई बस समझ में। सेम टिकट ट्रेन टिकट पे भी अप्लाई होता है, आप ट्रेन की टिकट कटाइए कराइए बाद में कैंसिल करा दीजिए तो आपसे कुछ चार्जेस ले लिए जाते हैं, ये बर्दाश्त करने का पैसा है, समझ गए। फॉरबियरेंस क्या होता है, कुछ भी बर्दाश्त करने का पैसा लिया जा रहा है ना वो कंसिडरेशन है। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ वेदर बाई द रेसिपिएंट और बाई एनी अदर पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये बात बहुत क्लियर कर रहा है, बार बार क्लियर कर रहा है कि देखो यार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है वो कंसिडरेशन नहीं है, बाकी क्या क्या कंसिडरेशन है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई किए आपको मनी में मिला या अदरवाइज मिला, ये कंसिडरेशन है। दूसरा आपने कुछ किया, कोई एक्ट किया उसका पैसा मिला, इस कंसिडरेशन। आपने कुछ बर्दाश्त किया उसकी वजह से आपको पैसा मिला, इस ऑल्सो कंसिडरेशन। और भी बहुत चीज़ होती है बर्दाश्त के, मैंने तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिए, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स भी हो जाते हैं। जैसे क्या होता है कि मेरे बगल में एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, मेरी बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, तो मैं बगल वाली बिल्डिंग जो बना रहा है मैंने उसको कहा यार तुम ना बिल्डिंग की ऊंचाई बस 5 फ्लोर तक ही रखना, उसका वैसे 6 फ्लोर तक बनाने का प्लान था और उसका नक्शा भी पास है 6 फ्लोर का। मैंने उसे कहा कि यार 5 ही फ्लोर बनाना, क्या अरे ऐसे कैसे 5 फ्लोर बनाएंगे, हमने कहा यार मेरी बिल्डिंग का ना धूप छांव सब बंद हो जाएगा तुम्हारी बिल्डिंग की वजह से, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपये दे रहा हूँ इसकी। तो पता है अब वो सामने वाला 1 करोड़ रुपये किस बात के ले रहा है, बर्दाश्त करने का, 1 फ्लोर नहीं बनाएंगे, ये बर्दाश्त ही तो कर रहा है, कुछ किया थोड़ी ना है। उसे पूछेंगे कुछ किए क्या, किए कहाँ, किया कहाँ, वो बर्दाश्त कर रहा है 1 फ्लोर न बनाना, ये बर्दाश्त कर रहा है, वो इस बात का पैसा लिया है, कुछ न करने का ही तो पैसा है, कर थोड़ी ना रहा है कुछ,
ठीक है, ए फ्लो न बनाना ये कोई मेरे लिए कोई काम थोड़ी ना किया, ये टॉलरेट कर रहा है कुछ, ठीक है, वो टॉलरेट करने का पैसा लेना भी कंसिडरेशन है। प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर द सप्लाईज अनलेस द सप्लाई अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई। क्या कह रहा है, अगर आप किसी को कोई डिपॉजिट देते हो तो वो कंसिडरेशन नहीं है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, क्या आपको पता है कॉमर्शियल रेंटिंग पे जीएसटी लगता है, कॉमर्शियल रेंटिंग पे जीएसटी लगता है। जैसे मैं अपनी ऑफिस के लिए अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग लेता हूँ किराए पे, तो सामने वाला जीएसटी लगाएगा किराए पे, ठीक है। अब उसने मुझे बताया जो मैं बिल्डिंग ले रहा हूँ उसका किराया उसने बताया 1,00,000 रुपये पर मंथ, रेंट है 1,00,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और क्या बताया उसने, उसने कहा कि 3,00,000 रुपया आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, 3,00,000 रुपया आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, और जब भी आप ये बिल्डिंग खाली करोगे तो ये 3,00,000 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। कह रहा है इसी को डिपॉजिट कहते हैं और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप कोई पैसा दे रहे हो जो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, वो सर्विसेज में कहीं एडजस्ट नहीं होगा, तो कह रहा है इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये गुड्स एंड सर्विस का पैसा नहीं है, ये सर्विसेज का पैसा है, जो किराया है ना वो रेंटिंग सर्विसेज दे रहा है, इसका पैसा ले रहा है, डिपॉजिट पे जीएसटी। लेकिन लास्ट में कहता है कि अगर ये डिपॉजिट सर्विसेज में एडजस्ट हो जाएगा तो जीएसटी लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आखिरी का जब 3 महीना बाकी था तो मैंने उसको 3 महीने पहले ही बता दिया, देखो 3 महीने बाद ना हम ये खाली कर रहे हैं जगह, और अगले 3 महीने का किराया हम नहीं देंगे, तुम्हारे पास 3,00,000 रुपये एडवांस है जो तुमको हमें वापस करना है, तुम वही 3,00,000 रुपये एडजस्ट कर लो 3 महीने में, मैंने उसको बोल दिया, ठीक है। तो अब अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ये 3,00,000 रुपये का डिपॉजिट अब डिपॉजिट नहीं रहा, अब वो सर्विसेज का पैसा हो गया। तो कह रहा है इस 3,00,000 रुपये पे जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा, वो बिल करेगा 3 लाख प्लस जीएसटी, और आप जीएसटी का पैसा दोगे, 3 लाख आपके डिपॉजिट से एडजस्ट हो जाएगा, ये जीएसटी दोगे आप। आई बात समझ में? तो कह रहा है ये कंसिडरेशन, ये डिपॉजिट जो है ये कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन अगर ये डिपॉजिट बाद में कभी सर्विसेज में या कोई गुड्स लिए उसमें एडजस्ट हुआ तो ये क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा। The following aspects need to be noted. It refers to the payment received by the supplier in relation to the supply, whether from the recipient or any other person. It refers to the payment received by the supplier in relation to the supply, whether from the recipient or any other person. Therefore, a third party to the contract can also contribute to the towards consideration. कह रहा है कोई third party से भी पैसा मिल गया है ना तो वो भी consideration है। तो मैंने तो simple सी बात बताई है। Consideration is not what buyer pays. Consideration is what supplier receives. इस बात को कहीं लिखना है तो प्यार से लिख लीजिए। Consideration is not what buyer pays. Consideration is what supplier receives. Consideration therefore is not the amount that the recipient pays, but the amount that the supplier collects, whether from the recipient or any third party. This would be particularly relevant in dealing with complex arrangement in digital economy and new age business. कह रहा है आजकल के जो डिजिटल इकोनॉमी चल रही है, न्यू एज बिजनेस चल रहा है, उसमें तो ये सब बहुत देखा गया है, सही में देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि कोई पेटीएम के थ्रू पे करता है तो यार बायर को कम पे करना पड़ता है, सप्लायर को तो ज़्यादा पैसा रिसीव हो रहा है, तो जो रिसीव हो रहा है वो कंसिडरेशन है। बाकी ऐसे भी बताता हूँ, आज पता है फ्लिपकार्ट Amazon इतने पॉपुलर क्यों हो गए, क्योंकि इन्होंने ना गजब का घाटा दिया है। आपको आइडिया नहीं होगा शायद, जैसे Flipkart क्या करता है, इस पर बायर और सेलर दोनों होती हैं, ठीक है। सेलर अपना माल लगाता है, बायर वो माल खरीद लेता है, ठीक है। सेलर Flipkart पे अपना माल लगाता है, मान लीजिए ₹100 का, ठीक है। Flipkart पता है बायर को उस प्रोडक्ट को कितने का दिखाएगा, ₹80 का दिखाता है, वो ₹80 में लिस्ट कर देता है, उसी पे 20% डिस्काउंट दिखा देगा, 20% डिस्काउंट। और ये 20% डिस्काउंट Flipkart अपनी जेब से दे रहा है, ये देखो मजा क्या धंधा कर रहा है। बायर सेलर कह रहा है हम ₹100 का माल बेचेंगे, और ये Flipkart क्या कर रहा है, उस ₹100 की लिस्टिंग पे 20% डिस्काउंट काट के ₹80 का दिखा दे रहा है, ठीक है। अब बायर बताइए कितना पे कर रहा है, बायर बताइए कितना पे कर रहा है, बायर पे कर रहा है इसको ₹80, लेकिन Flipkart सेलर को कितना दे रहा है, ₹100। तो
तो अब इस सेलर के लिए कंसिडरेशन क्या है, व्हाट द बायर इज पेइंग, नो बायर इज पेइंग 80 रुपीज बट द सेलर इज रिसीविंग 100 रुपीज, सो 100 इज द सेल कंसिडरेशन। हालांकि फ्लिपकार्ट अपना कमीशन काटेगा, प्रैक्टिकल अगर बात करें तो मान लीजिए कमीशन इसका 10% है तो 100 रुपया में से 10% वो कमीशन काटेगा 10 रुपया और 90 रुपया पकड़ा देगा। ध्यान दीजिएगा 90 रुपया अगर पकड़ा देगा तो 90 रुपया कंसिडरेशन नहीं हो जाएगी, 10 रुपया उसने कमीशन दिया है, कमीशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, माल का उसको 100 रुपया आया है, 10 रुपया उसने फ्लिपकार्ट को कमीशन दिया है, तो वो कटपिट के 90 रुपया हुआ है, तो वो अपने यहाँ एंट्री करेगा सेल की कितने की 100 रुपये की और 10 रुपये कमीशन का खर्चा की एंट्री करेगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी देखिए बाया तो 80 रुपया में, तो अब ये फ्लिपकार्ट इसमें घाटा हो रहा है उसका, 80 रुपया पा रहा है, कुल मिला के 90 रुपया दे ही दे रहा है। ठीक है, कमीशन 10 रुपया है लेकिन 20-20 रुपया कम में वो बेच रहा है अपना, तो ये फ्लिपकार्ट का घाटा है। तो इसी तरीके से ये लोग इतना पॉपुलर हुए हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट हर साल बिग बिलियन डे लाती है, पता है जो फ्लिपकार्ट का सबसे पहला बिग बिलियन डे था, मैं एग्जैक्टली शायद सही पता नहीं बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, शायद मुझे लगता है 8 साल पहले आया था। ठीक है, तकरीबन 8 साल हो गया होगा पहला बिग बिलियन डे, 8-9 जो भी। और बिग बिलियन डे पे वो क्या करता है कि अजीबो गरीब रेट पे अपना माल देता है। ठीक है, तो उस समय प्रोडक्ट आया था एक प्रिंटर 1 रुपए में। ठीक है, उस प्रिंटर की कीमत 4,000 रुपए होगी। ठीक है, एंड आई वॉज द लकी वन टू गेट दैट प्रिंटर फॉर रुपीज 1, मुझे 1 रुपए में एक प्रिंटर मिला हुआ है, तो मुझे आज भी याद है बिग बिलियन डे 1 रुपए में 4,000 रुपए का प्रिंटर खरीदा है मैंने। तो वो तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, अगर किसी ने खरीद लिया तो खरीद लिया। ठीक है, तो मेरा पहले से एकदम रेडी था मैं खरीदने के लिए, कार्ड डिटेल वगैरह सब एडिट थी, बस फट से एड टू कार्ड किया और फट से ले लिया था, तो मेरा आ गया था राइट। बाकी तो और भी बहुत सारे घाटे ये लोग देते ही रहते हैं, हर प्रोडक्ट में ही दे रहे हैं, आज भी घाटा देते हैं बहुत सारे में। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट ने ग्रॉसरी डिवीज़न शुरू किया है, तो आई एम वेरी श्योर कि ग्रॉसरी में ये लोग ह्यूज लॉसेस दे रहे होंगे, क्योंकि अब उनको स्टेबल करना है, जो फ्लिपकार्ट का मेन ऐप है वो तो अब थोड़ा सा ये लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेस ऑन टू लॉसेज हैं, बट स्टिल अभी भी ओवरऑल लॉस है इनको। ठीक है, बट इंटेंशनली अब लॉसेज बहुत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली अब नया डिवीज़न लाए हैं ग्रॉसरी तो उसमें लॉसेस कर रहे होंगे, फ्लिपकार्ट प्लस जिसमें मेडिसिन बेच रहे हैं उसमें भी ह्यूज लॉसेस कर रहे होंगे, ताकि वो कस्टमर एक्विजिशन हो, पहले लोगों का कॉन्फिडेंस बने प्रोडक्ट पे। फिर कंसीडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और अदरवाइज, एग्जांपल जेडीए मॉडल, जेडीए होता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मॉडल। पहले थोड़ा सा जेडीए के बारे में बताएं फिर पढ़ते हैं उसको, जेडीए क्या होता है। जेडीए में दो पार्टी है, एक तो है लैंड ओनर और दूसरा है बिल्डर। ठीक है, लैंड ओनर वो है जिसके पास जमीन है, और बिल्डर आता है लैंड ओनर से कहता है कि तुम अपनी जमीन हमको दे दो, हम इस पर बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, और इस पर करीब 100 फ्लैट बनेंगे इस जमीन पे, जिसमें से 40 फ्लैट तुम्हारे हो जाएंगे, 60 फ्लैट मेरे हो जाएंगे, तुम्हारी जमीन मटेरियल वगैरह सब मेरा, हम बिल्डिंग बनाएंगे पूरी इस पर, 40 फ्लैट तुम्हारा 60 फ्लैट मेरा हो जाएगा, बिल्डर ये कहता है। तो लैंड ओनर जोड़ता है कि यार मेरी जमीन की कीमत कितनी है, पहले ऐसे देखता है, कहता है कि मेरी जमीन की कीमत तकरीबन होगी 20 करोड़ रुपया, कहता है 40 फ्लैट मिल जाएगा, एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए के आसपास बिक जाएगा, तो मेरा 40 करोड़ रुपए बन जाएगा, कहता है ले लो बनाओ इस पे बिल्डिंग बनाओ। तो ये लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई लैंड डेवलपर जो लैंड ओनर है उसने लैंड दी बिल्डर को, और बिल्डर बदले में 40 फ्लैट देगा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट जो होता है उसको कहा जाता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जेडीए। ठीक है, अब बिल्डर लैंड ओनर को क्या दे रहा है, 40 फ्लैट। लैंड ओनर ने क्या दी है इसको, लैंड। ठीक है, तो लैंड जो उसने दी है 40 फ्लैट, पता है क्या उसका कंसिडरेशन है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कंसिडरेशन कैन बी इन मनी और अदरवाइज। लैंड ओनर ने जो जमीन दी है, बिल्डर ने जमीन के बदले पैसा देने की बजाय उसने 40 फ्लैट दिया है, तो ये 40 फ्लैट कंसिडरेशन है, कह रहा है ये 40 फ्लैट कंसिडरेशन है, इस पर जीएसटी लगेगा, इसकी जो वैल्यू बनेगी उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि अभी जीएसटी फीएसटी हमको समझाना नहीं चाहिए आपको, हमको ये समझाना चाहिए कि ये कंसिडरेशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी जीएसटी आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी तो हम डेफिनेशन पढ़ रही है सबकी।
Consideration can be in the form of money or otherwise. Example, under a JDA model, the flat handed over by the developer to the landowner will be considered as consideration for the development rights given by developer to the landowner. Landowner ne kya diya hai? Development rights diya usko. ठीक है, हालांकि वो जमीन नहीं देता, सच पूछिए तो हमको लैंड नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए डेवलपमेंट राइट। वो उस पर बिल्डिंग बनाने का अधिकार देता है। डेवलपमेंट राइट का मतलब होता है बिल्डिंग बनाने का अधिकार, द अधिकार। बिल्डिंग बनाने का अधिकार देता है वो। ठीक है, डिपॉजिट एज सच आर नॉट लायबल टू टैक्स, हाउएवर वेयर सच डिपॉजिट्स हैव बीन अप्लाइड एज कंसीडरेशन। कह रहा है डिपॉजिट पे टैक्स नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया ये, लेकिन अगर डिपॉजिट को आप कंसीडरेशन बना दोगे, जैसे डिपॉजिट को बाद में एडजस्ट करा दोगे फॉर गुड्स एंड सर्विस, तो फिर GST लगेगा। यही बात यहाँ कह रहा है, डिपॉजिट एज सच आर नॉट लायबल टू टैक्स, हाउएवर वेयर सच डिपॉजिट्स हैव बीन अप्लाइड एज कंसीडरेशन फॉर द सप्लाई, इट वुड टेंटामाउंट टू मास्किंग ऑफ एडवांसेस। अगर आपने कंसीडरेशन में उसको एडजस्ट कर दिया, तब तो आप बस मुखौटा पहना के डिपॉजिट बोल रहे हो। अगर आप एडवांस की डिपॉजिट की तरह दे रहे हो और तुरंत ही एडजस्ट करा दे रहे हो, तो कह रहा है कि ये तो मास्किंग हो गया ना। मास्किंग का मतलब होता है मुखौटा। कह रहा है उसको तो डिपॉजिट का मुखौटा पहनाए हो, वो डिपॉजिट थोड़ी ना है यार, वो तो गुड्स एंड सर्विसेज का कंसीडरेशन है, और इस केस में टैक्स लगेगा। मेयरली अल्टरेटिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ द पेमेंट एज डिपॉजिट, जैसे किसी भी पेमेंट का नाम डिपॉजिट बोल दिए तो बोलने से डिपॉजिट नहीं हो जाएगा, डिपॉजिट के अपना मतलब है। ठीक है, वुड नॉट चेंज द नेचर ऑफ द रिसिप्ट, हाउएवर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड द टर्म्स यूज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग वेदर द अकाउंट इज डिपॉजिट और इन एडवांस और एनी पेमेंट एज कंसीडरेशन फॉर द सप्लाई। ठीक है, जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो वो एक एडवांस पैसा दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विस लेने का, या एक डिपॉजिट के तौर पर है। कह रहा है वो सिस्टम देख के समझ में आ जाता है, और खिलवाड़ मत कीजिएगा, डिपॉजिट बोल देने से वो डिपॉजिट नहीं होगा। कभी कभी हम पैसा दे देते हैं एडवांस में, ठीक है, कि ये पैसा गुड्स एंड सर्विसेज में एडजस्ट ही होना है, तो कह रहा है वो फिर एडवांस है, वो डिपॉजिट मत बोलो उसको। कह रहा है सप्लायर्स मे हैव टू पार्ट द डिपॉजिट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ रिफंडेबल डिपॉजिट। कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि डिपॉजिट ना देख के समझ में आ जाता है, ठीक है, जैसे कि वो रिफंडेबल लिखा होगा उसमें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिपॉजिट एक अलग ही खाते में कंपनी डाल देती है कि भाई बाद में हमें देना है तो हम अलग ही रखते हैं इसको। तो कह रहा है वो सब देख के समझ में आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, देख के समझ में आ जाएगा बस। हाउएवर वेदर द अमाउंट इज रिफंडेबल और नॉट इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिटरमिन वेदर सच अमाउंट इज डिपॉजिट। अच्छा, वो रिफंडेबल होगा नहीं होगा, इससे भी ये क्राइटेरिया नहीं बनता है कि वो डिपॉजिट है। कभी कभी कंपनियां नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट भी ले लेती हैं, कि हम डिपॉजिट ले रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल है, देंगे नहीं, तो भाई डिपॉजिट है तो है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा हमें, उसका नेचर समझना पड़ेगा। दिस ऑल्सो एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, तो देयर कैन बी अदर थिंग्स ऑल्सो विच कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। तो चलिए, मुझे लगता है आज की क्लास में ये दो डेफिनेशन जो भारी भारी थी वो आपको करा दिया, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। Right, we'll stop, and in next class we'll see some other definitions.